अभी होंगी थोड़ा सा कैरेक्टर तो इसमें ऐसे है कि एज माई सेल्फ ही हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आया था जब मैंने स्टोरी सुनी। मुझे लगा कि मतलब हाँ, मतलब पहली बार मुझे लोग एज माई सेल्फ देखेंगे, ये नया है। मतलब इससे पहले ऐसे होता है कि मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, तो ज़्यादातर लोग मुझे कैरेक्टर्स में जानते हैं, और जब भी नॉर्मल देखते तो लोग कहते हैं अरे आप तो सामने से इतने यंग दिखते हो और क्या टीवी में आप इतने बड़े दिखते हो। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एज माई सेल्फ मैं इसमें प्रोजेक्ट होंगी, और उसके लिए अभी तैयारी शुरू कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो पूरी स्टोरी है मूवी की, जो बुद्धियापा की जो स्टोरी है, उसमें हम लोग मतलब जैसे हम रियल लाइफ में हैं, हम लोग शोज़ करते हैं, तो मूवी में भी हम लोग शो करने के लिए ही हम जो है बुलाए जाते हैं, और हम लोग जैसे लाइव परफॉर्म करते हैं, और जैसे लाइव हम ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और हमें पता है कि देखिए ऑडियंस को ये पसंद है ये नहीं, तो मूवी में भी वैसा कुछ डेफिनेटली कुछ अलग करेंगे जो ऑडियंस को एकदम पसंद आए। प्रमोशन करोगे? अच्छा, ओके ओके ओके। नमस्कार, सबसे पहले तो बहुत खुश हूँ कि सुगंधा बेटी फिल्म कर रही है, और इसे भूतियापा के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और यही उम्मीद करती हूँ कि इस बार फिल्म में मेरी आवाज़ ना निकाले, अपना ही कुछ करे, ठीक है? तो बस इसी के साथ भूतियापा के डायरेक्टर मनोज मिश्रा जी को, वो भी मिश्रा, सुगंधा भी मिश्रा, बस ये कोई नहीं तीसरा, और बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। उन्होंने मुझे जब मेरा फर्स्ट मीटिंग हुई थी मनोज जी के साथ, तो पहली बार ये बोला कि स्टोरी है आप ही के ऊपर है, जैसे आप हैं वैसे ही है, बस आपको फिल्म में आपका ही आप अपना परफॉर्म करना है जैसे यहाँ पे। तो मुझे यही बात सबसे अच्छी लगी, और ओवरऑल जो स्टोरी है हॉरर कॉमेडी है, जैसे भूत या आप सुन रहे हैं नाम से ही हॉरर कॉमेडी है, और मज़ा आएगा, और मुझे हॉरर कॉमेडी बहुत पसंद है पर्सनली। ऊपर से हम लोगों का रोल बहुत अच्छा है, और बहुत स्कोप है उसमें ऑडियंस को, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने का, तो आई लव दी स्टोरी। थैंक यू।